हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 16 ट्यूटोरियल है जेंगो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक नया तरीका जिसमें आप अपने सॉन्ग्स जो हमारे कहते हैं टेबल्स थी उसमें कुछ नए एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप अपने कहते हैं सॉन्ग्स में नए एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, आज एक नया तरीका बताएंगे। ये इजी तरीका है और बहुत इजीली इसमें मल्टीपल्स वैल्यूज़ को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, शेल में गए हैं अपने पाइथन मैनेज डॉट पी वाई सेल से, और फिर हमने इम्पोर्ट किया है मूवीज़ और सॉन्ग्स को, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था। और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम वन इजिकल टू मूवी ऑब्जेक्ट, जो हमारा पहले पी के जिसकी मतलब जिसकी प्राइमरी की वन होगी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं कमांड लिखता हूँ जिससे मैं आपको बताऊँगा उसका यूज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम वन, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है मूवी का, फिर लिखेंगे डॉट, फिर सॉन्ग लिखेंगे सॉन्ग्स, जो हमारे दूसरा मॉड्यूल है सॉन्ग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल में इसलिए लिखा है एस को, जब हम सॉन्ग सेट लिखते हैं इस तरीके से, जिस इस कमांड में हम सॉन्ग्स को अपनी क्लास के नेम को स्मॉल में लिखेंगे, सॉन्ग सेट डॉट ऑल इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमें सॉन्ग्स का नेम दे देगा। देखिए, ये जो कमांड है मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। एम वन सबसे पहले तो मूवी का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सॉन्ग्स का सेट। देखिए, हमारे जो जेंगो है इसे जब हम रेफरेंस देते हैं इस तरीके से, फॉरेन की से हमने रेफरेंस दिया है जब, तो हमारे जेंगो को पता चल जाता है कि हमने इस तरह से रेफरेंस दिया है। और ये क्या करता है, ये समझ जाता है कि मूवी जो है, जो सॉन्ग्स हैं वो मूवी का ही एक तरह से सेट है, कि हर एक मूवी के क्या होंगे, सॉन्ग्स होंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा था फॉरेन की, तो हमारा जेंगो समझ जाता है कि मूवी जो होगी उसके सॉन्ग्स तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए हमने इस कमांड का यूज़ किया, एम वन जो मूवी का ऑब्जेक्ट था, फिर सॉन्ग सेट, क्योंकि कहते हैं जो सॉन्ग्स हैं वो मूवी के एक तरह से सेट है, फिर ऑल हमने लिखा, तो सॉन्ग्स के अंदर जितने भी सॉन्ग्स थे वो हमें यहाँ पर प्रिंट हो गए। अब देखिए, अब ऐड कैसे करेंगे सॉन्ग्स को, और सॉन्ग्स को ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लेते, कोई कंट्रोल जी करते हैं, कंसोल में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एम वन, फिर लिखेंगे डॉट, और फिर लिखेंगे सॉन्ग अंडर स्कोर सेट, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे डॉट क्रिएट। क्रिएट से क्या होगा, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नए सॉन्ग्स को, नए सॉन्ग्स के नेम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले सॉन्ग अंडर स्कोर नेम डालेंगे और सॉन्ग्स का नेम देंगे। तो देखिए, सॉन्ग्स का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आई एम द बेस्ट, ये मैंने एक सॉन्ग का नेम दे दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, फाइल का नेम भी दे सकते हैं, फाइल अंडर स्कोर टाइप, फाइल का टाइप क्या था हमारा, चेक करते हैं यही एट्रीब्यूट है या नहीं है, फाइल टाइप, और फिर इजिकल टू सिंगल कोटेशंस में हम लिखेंगे एम पी थ्री, या हमें नेम क्या दे टाइप दे दिया। अब हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, देखिए इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, तो देखिए आई एम द बेस्ट ये हमारा ऐड हो गया है, नई वैल्यू ऐड हो गई है। अब देखिए, आप एरो की दबाएंगे तो देखिए यही कमांड फिर से आ जाएंगी, और आप अपने चलते हैं नेम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, आई बेस्ट एंटर दबाएंगे, देखिए ये भी ऐड हो गया। और देखिए, अब आपको क्या करना है, जब आपको पूरे सॉन्ग्स देखने के कितने सॉन्ग्स हैं टोटल, तो फिर से लिखेंगे एम वन डॉट सॉन्ग सेट, सॉन्ग अंडर स्कोर सेट, और फिर लिखेंगे डॉट ऑल, तो इससे क्या होगा, जितने भी सॉन्ग्स आपके ऐड होंगे वो सब के सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तीनों के तीनों इस तरीके से। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, तो काउंट के लिए लिखेंगे एम वन डॉट सॉन्ग अंडर स्कोर सेट डॉट काउंट, तो देखिए थ्री वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत आसान तरीका है, इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले तो रेफरेंस देना है मूवी ऑब्जेक्ट का, जिसमें आपने फॉरेन की को यूज़ किया है, रेफरेंस किया है। तो देखिए, हमने क्या किया था, सॉन्ग को रेफर कराया था मूवीज़ में, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिया, मूवी का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के साथ फिर डॉट लगाया और सॉन्ग सेट, क्योंकि जो हमारा जेंगो होता है उसे पता होता है कि मूवी इसके अंदर सॉन्ग्स होंगे ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर सॉन्ग सेट लिखा, और फिर डॉट क्रिएट से हमने क्या किया, नए सॉन्ग्स को क्रिएट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।